ये बहुत अच्छा. हमारे पास आपके सामने जो है वो एनवलॉप्स रखे हुए हैं और उसके अंदर खत भेजे गए हैं, सवाल किए गए हैं नाज़रीन की तरफ. निकाल ले फिर. हाँ, कोई ना कोई सवाल निकालो और नीचे लिखा हुआ भी है किसने भेजा ये खत. सबा, आपको हमेशा सीधी और खरी बात करते देखा है, अपनी इस आदत की वजह से आपने कितना नुकसान उठाया है, क्वेश्चन है ये. फरिया ने मुल्तान से पूछा है. ओके. चाहे मैंने नुकसान उठाया है लेकिन मैंने उससे सीखा बहुत है. एक छोटी सी जिंदगी में हम इतना सेफ क्यों चलें कि ये नहीं करना तो ये नहीं बोलना, तो फिर गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे. तो कभी ऐसा हुआ कि कभी कुछ बोल दिया और तुम्हें लगा घर जाके कितनी बार नहीं बोलना चाहिए. डेली बेसिस पे. आई टेल यू समथिंग, एवरी टाइम आई गो थ्रू समथिंग इन दिस इंडस्ट्री आई वॉच अ सबा कमर इंटरव्यू. रियली? बिकॉज आई फील हाउ शी टेल्स यू दैट हाउ आई वेंट थ्रू इट, हाउ आई डिड इट. इट जस्ट गिव यू, स्पेशली एज एन एक्टर. Initially, maybe I couldn't connect to you, but now you can connect so well. And all of a sudden, it's like a pep talk. So, I think there is not even a single interview of her that I missed. Just because I feel strength. I don't know, as an actor, it just keeps you. If she went through this, and she being she, everybody does. We all can. So, I think. Oh, hands up to whatever she does. Thanks for this. Now your turn. Ha. Yes. किस एक किरदार को देखकर दुर्विशन का दिल चाहता है कि काश वो ये किरदार निभाते. ओह, सो मैनी. ये कौन है, किसने पूछा है? मतलब अंजला ने रावलपिंडी. ये वो है ना, जैसे किसी और ने किया तो. हाँ, अगर आप कोई ड्रामा देखा हो और उसमें जो कैरेक्टर. चलो टेक माय ड्रामास नेम, ऑल ऑफ योर ड्रामास, ऑल ऑफ योर फिल्म्स, मेबी बागी. और मेबी दिस इज बिकॉज शी डिड इट सो वेल. आई फील लाइक बागी वाज समथिंग. I don't think so. बस कर दो, रेफ्रेशर रुलाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, बट नहीं, मुझे लगता है एक एज एन एक्टर एक ड्राइव होती है, जो भी ड्रामा का बड़ा स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट नैरेटिव हो, आपका दिल चाहता है आपने वो किया हो. तो वो एक नॉर्मल है. अगर नैरेटिव अभी रिसेंटली अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने कोई ड्रामा या फिल्म देखी हो और तुम्हें किसी का कैरेक्टर बहुत अपील किया हो, अगर तुम रिसेंटली कोई. अगर पाकिस्तान में देखें तो आई फील बहुत ज़्यादा, मतलब एक नहीं, सिर्फ लाइक आई एम ह्यूज सज्जल अली फैन टू. तो मुझे लगता है जब भी वो स्क्रीन पे आती हैं तो वो जो भी करती हैं मेरा दिल चाहता है यार काश मैंने किया होता. या शी डज वंडर. सो आई थिंक वो वाला. बट इफ यू सी बॉलीवुड साइड, सो आई जस्ट वॉच गंगूबाई. गंगूबाई, आलिया भट्ट. एंड आई थिंक दैट इज एन एक्टर ड्रीम टू डू समथिंग लाइक दिस. ग्रेट. सो आई थिंक दैट इज ग्रेट. जबरदस्त. देख रहे हैं जो डायरेक्टर्स प्लीज. क्योंकि हमें बनाने चाहिए. हम क्यों, हम कैरेक्टर्स लिखते नहीं है, लिखते नहीं है, एक्टर को देख के उसका. अवाम नहीं देखना चाहती. कौन है ये अवाम? ये अवाम वही है जो नेटफ्लिक्स देख रही है. हाँ नहीं, लेकिन ये वही है जो बॉलीवुड की मूवीज भी, हॉलीवुड भी वही देखना चाहती है. जो उसको देखना है वो अभी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं देखना. सुन रहे हैं जे ARY सेजा, सब सुन रहे हैं. ठीक है, निकाले. उनको पता है. और वो ये मुझे लगता है ARY की सबसे अच्छी बात ये है कि वो कोई नई चीज पुराने रैपर में. लेकिन ARY ने बहुत बोल्ड स्टेप भी लिए, बहुत अच्छी बात है. ऐसे ऐसे टॉपिक को उन्होंने चूज किया है, ड्रामा चलाए हैं जो लोगों ने अभी उसके आसपास भी नहीं आया कोई. लेकिन लेकिन सबा, वो रैप उस रैपर में करते हैं जिसमें वो देखना चाहते हैं पब्लिक. ये एक बहुत अच्छी बात, मतलब उनके टेस्ट के, उनके उनके उनको पता है कि पब्लिक को क्या चाहिए, क्या चलता है. और उनको पता है पब्लिक को उन्होंने क्या बताना है. बड़ा टेस्टफुली उसको उसमें मर्ज कर देते हैं. एग्जैक्ट. सो वो है बहुत, जैसे मेरे पास तुम हो एक बोल्ड सब्जेक्ट था, बहुत अच्छा था वो. और वो डायरेक्ट कितना अच्छा किया था, बहुत कमाल कमाल. बाय द वे, मुझे OST बहुत अच्छा लगा आपके ड्रामे का. अच्छा, बहुत कम लोग हैं जिन्हें अच्छा लगा. कौन है? नहीं, दिस इज राहत आई थिंक हैज संग इट. एंड अच्छा, I don't know who has composed. By वो नहीं पता. नवीद तो सारा. चल मैं पता करवा लेती हूँ. तुम्हारा तुम्हारा सवाल. Hey, सबा, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज और तस्वीरों को देख के लगता है कि आपके आसपास की हर चीज़ और आप खुद भी परफेक्ट रहती हैं. झूठे मेरी जान. और अगर आपका हम सफ़र इस मामले में परफेक्ट ना हुआ तो आप क्या करेंगे?
तो हम सफर की छुट्टी करा दूंगी और ऐसा हम सफर क्यों रखूंगी। समीना साहिवाल से पूछ रही थी भाई, जैसे तुम्हारी इंस्टा स्टोरी मैं भी फॉलो करती हूँ, मुझे नजर आता है बड़े अच्छे फ्रेंड्स। आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन, इट्स लाइक यू वेक अप एंड यू स्टेप इनटू ये जिंदगी इतनी प्यारी है, मैं कहती हूं कि सफेद पर्दा अच्छा याद है, ओ गॉड वो एक है, इट्स लाइक एक कोई अगर जिंदगी में बाकी सब चीजों में अच्छा, मेरी जिंदगी एक फिल्म की तरह, मुझे मैला सा शख्स शामिल हो गया जो तौलिया फेंकेगा, नहीं नहीं जो बाथरूम गीला छोड़ेगा। पता है मेरा सबसे बड़ा मसला ये, मैं किसी डिजाइनर के कपड़े नहीं पहनती, मैं मना कर देती हूँ। अगर मुझे ना है हाइजीन इन चीजों का मसला, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। वो होता ना लोग अक्सर सेट पे कपड़े पहन लेते डिजाइनर से आए हुए, मैं नहीं पहन सकती। मैं करोड़ों की चीजों की छोड़ के चले जाऊंगी, गंदगी पे कॉम्प्रोमाइज, गंदगी पे कॉम्प्रोमाइज। क्या और ये बात नहीं नखरा नहीं है, नहीं तो बेसिक राइट्स हैं, साफ सुथरे होने चाहिए और मर्द भी साफ सुथरा होना चाहिए मेरी लाइफ में बहुत जरूरी है। सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट यही होता है कि नाखून, और मेरी इतनी बुरी आदत है आई स्मेल पीपल, मैं लोगों को ना मेरे पास से कोई गुजरे मैं सबसे पहले ही करती हूँ। मेरी बहुत तेज नाक है, मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं लोगों को स्मेल करती हूँ। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि किसी को स्टार के साथ काम कर रही हो और बहुत इम्पोर्टेंट सीन करना है? क्या है ना कि मैंने अभी बहुत सी चीजें करनी है, बहुत सा काम करना, बहुत से लोगों के साथ, तो आप क्या चाहती हैं? नहीं मैं नाम तो नहीं पूछ रही, बस भी ठीक है। हाँ लेकिन है। हुआ है ना ऐसा? अरे बहुत दफा। तो क्या करती हो, अपना ही परफ्यूम निकाल के यूं 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 ऐसे? मैं ना बातों बातों में वो एक टॉपिक डिस्कस करना शुरू करती। अच्छा ऐसा है कि वो एक्स वाई जेड ब्रांड के परफ्यूम भी बहुत अच्छी है, पता कुछ ना करो फटकड़ी लगा लो ना तो आपकी स्मेल नहीं आती। अरे आप बहुत ही गरीब गुरबा भी अल्लाह माफ करे चल रहे हो। मसला ये है कि पंखे, सफाई, साफ सुथरा पानी, यार सिंपल सी एक चीज है, रोला। आई थिंक इफ यू यूज अ डिओड्रेंट नॉट परफ्यूम, पर मेरी जान गंदे पसीने के ऊपर अगर आप नहीं नहीं और डिओड्रेंट कर, डिओड्रेंट लगाएंगे ना अगर आप गंदी स्मेल के ऊपर, तो माशाल्लाह सोने पे सुहागा हो जाएगा। सुने में माजरत करना चाहूंगा, चाय पापे खा रहे होंगे। नो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और हमारे काम में हम सारा सारा दिन सेट पे रहते हैं, लाइट्स होती हैं, लोग होते हैं, एक छोटे से कमरे में कोई 50 बंदा खड़ा होता है और ऊपर से ना एसी ना फैन, उसमें भी अगर आप बुझ जाए तो। और मैंने तो कितने टोट के बताए, वो अक्सर ऐसा था लाइट के जो बच्चे होते हैं वो नंगे पैर मौजे उतार के जब ऊपर चढ़ते हैं लाइट सही करने, सो वो उनको उन बच्चों को खास तौर आई स्वेयर मेरी कमाई का 75% जो पैसा है वो मेरे परफ्यूम्स इन चीजों पे जाता है। मैं इतनी शौकीन हूं। अच्छा हां मैं देखती हूं मेरे कौन का क्या आ रहा है। मेरा 75% शायद नहीं जाता, मेरा तो बहुत जाता, लेकिन मुझे बहुत शौक है परफ्यूम्स का। अच्छा एंड ट्राइंग डिफरेंट काइंड ऑफ परफ्यूम। क्या है फेवरेट ब्रांड क्या है परफ्यूम की दीस डेज? अच्छा मेरा लुई विटॉन है, आजकल तो मुझे मैं क्रेजी हो गया हूं। ओ दिस वन, मैं शनेल फैन। हां वो भी मेरा क्लासिक वाला, और जो मेरा हेयर मिस्ट है ना वो है 5 नंबर। या और मुझे आई डोंट नो, मुझे शनेल की मर्दों वाली जो परफ्यूम है ना वो, हां होता है कभी वो स्टे करती है, वो स्टे करती है, तो मुझे तो वो पसंद है। तो मैं एक वक्त पे 2-3 डिफरेंट लगाती मिक्स करके। मेरा ब्रांड कहने लगी थी कि मेरा एक परफ्यूम नहीं है, मैंने एक बॉटल रखी हुई है, तो मैंने 4 परफ्यूम उसे मिक्स किए। यू मिक्स? ओ वाओ। और ये मेरे बारे में बहुत लोग ये जानते हैं दैट आई डोंट यूज 1 परफ्यूम। ओ माय गॉड। But I just feel, I feel your scent should be your scent. Yeah. You know? So I तुम हमेशा ही ऐसा करती हो कि मतलब गुजरती है तो उसकी खास खुशबू है दुर्रे फिशा की? नहीं अभी 2-2.5 साल से हुआ है, जब आप अफोर्ड कर सकते थे उससे पहले तो एक ऐसे ही होता है का परफ्यूम 350 का ही आप खरीदे वो अफोर्ड कर सकते थे, तो अभी हुआ है 2-2.5 साल पहले, उससे पहले भी मुझे ये था कि आई शुड स्मेल इफ I have nothing on, no makeup, nothing, just clean clothes and a perfume and I'm good to go. अच्छा मेरी हर project की हर character की एक खुशबू होती है, मैं उससे फिर relate कर सकती हूँ। हाँ मैं ये करती हूँ कि अगर वो character थोड़ा सा vibrant है, lively है, full of color है, colors है, तो वो फिर मैं वो use करती हूँ कि अच्छा इससे मुझे ये vibe आ रही है। मैंने पहली दफ़ा किसी से सुना है like जो character में एक और मजे की बात बताऊँ, मैं विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकती। मतलब तुम कोई म्यूजिक लगा के फिर? कोई म्यूजिक नहीं, तो फिर जो सीन पढ़ रही हूँ, जो सिचुएशन चल रही है उसमें, मुझे उसका म्यूजिक भी वैसा ही चाहिए। थ्रिलर है थ्रिलर चाहिए, रोमांटिक है तो रोमांटिक चाहिए, फनी है तो क्यूट चाहिए। अच्छा ये चीज तुमने कैसे, कभी कभार पढ़ाई से ये आदत डेवलप? बचपन से आदत, बचपन से पीछे गाने लगा के पढ़ना।
और मेरी माँ कहती थी कैसे कर लेती, मैं इतनी डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हूँ कि अच्छा। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं एक वक्त में एक काम पूरा नहीं करूँगी, जैसे आधा ये कर लिया, ये कुशन्स है ना ये बिखरे हुए, तो मैंने दो तीन रखने हैं उसके बाद छोड़ के चले जाऊंगी, फिर मैं किसी और काम की तरफ जाऊंगी। जैसे मैं कोई कपड़े प्रेस कर रही हूँ तो मैंने शर्ट प्रेस करनी, फिर वो भी छोड़ के आ जाऊंगी, उसका दुपट्टा छोड़ दूंगी, फिर मैं वापस आऊंगी कुशन्स के बाकी चीजें करूंगी। मैं ये करती हूँ एक वक्त में, हाँ मैं मतलब नहीं हो सकता, बहुत कम होता है कि मैं वन आर्टिस्ट है शाहीन सईद, बहुत मशहूर, उनका स्टाइल ये था दुल्हन ने तैयार करने का, झुमका पहना देंगी, हाथ छोड़ दे रहे, फिर कॉन्टोर करेंगी, फिर अच्छा एक आई मेकअप कर देंगी, नहीं, फिर नहीं। ब्लश ऑन लगाएंगी, वो तो एक से करने से गलत हो जाता है क्योंकि बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो, मैं हूँ थोड़ी सी वो वाली। अच्छा ये इस तरह, ऐसा नहीं कि मैं काम बिल्कुल अधूरा छोड़ देती हूँ, लेकिन आई लाइक इनकम्प्लीट थिंग्स, आई डोंट नो व्हाई, मुझे अच्छा लगता है। और तुम वैसे इनकम्प्लीट करती हो या क्या, तुम्हारी क्या नेचर? मैं वैसे बहुत फुहड़ इंसान हूँ, मतलब तुम्हारी अलमारी खुलती है तो कपड़े सारे गिर जाते हैं, मेरे बाहर ही होते हैं। ये मैं एक बात बताऊँ, ये सबके साथ होता है, घर में जितनी मर्जी हो, हम जैसे लोग जो ये काम करते हैं जिनका वार्डरोब बेतहाशा, तो और आपके पास जितनी भी अलमारियां हो आप, हाँ हाँ, मेरा स्टोर रूम भरा हुआ है, मम्मी का कमरा, भाइयों का कमरा, साथ वाला कमरा, बच्चे का कमरा, मेरा कमरा, बहन का कमरा, कहते सभा खुदा का वास है, मैं कभी भी देती हूँ कपड़े। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।